श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे अपार्टमेंट में तैयारी हो रही है नवरात्रि स्पेशल की, क्योंकि हमारे यहाँ डांडिया डांस शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं इस तरह से तैयारी हो रही है। मेरी तबीयत अचानक ख़राब होने के कारण मैं असमर्थ हो चुकी हूँ मंदिर जाने में। आप देख सकते हैं महादेव जी का मंदिर खुल चुका है। मैं यहाँ पे पहुँच जाती थी, शाम को सफाई करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडित जी आए हुए हैं, उन्होंने ही सफाई करी है। मैं सोचती हूँ कि पंडित जी को सफाई ना करनी पड़े, लेकिन मेरी तबीयत अचानक बिगड़ जाने का है, मैं मंदिर नहीं जा पा रही। साथ ही यहाँ ये डांडिया डांस की भी मैंने तैयारी कर रखी थी कि मैं भी जाऊँगी। मैं बहुत उत्सुक थी कि यहाँ पर मैं पार्टिसिपेट करूँगी और हर फ्लैट से हर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ तैयारी जो डीजे सॉन्ग जो बजते हैं तो काफ़ी लाउड स्पीकर रहता है, तो वो मैं नहीं झेल पाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये अपार्टमेंट में काफ़ी धूमधाम से हर सेलिब्रेशन कराया था, हर पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जूम कर लो, जूम आ रहा है। जय लेकिन शाम होते होते मेरी बेटी जिद करने लगी कि मम्मा चलना है गरबे में और आपको जाना ही पड़ेगा। वो दिन भर मेरे लिए तैयारी करती रही, पीछे लगी रही कि मम्मी चलिए चलिए चलिए। आखिर शाम तक मैंने किसी तरह से अपना काम निपटाया और रात 8 बजे मेरी बेटी ने जिद करी कि मम्मी अच्छा चल नहीं सकते हैं तो चलिए थोड़ा सा पहन के ही आप दिखा दीजिए तो मैं जो हूँ फोटो शूट कर लूँ। और यही सब करते करते जब फोटो शूट करने लगी तो कहीं मम्मी अच्छा चलिए थोड़ी देख ली नीचे चलिए, लेकिन उसका मन इतना था तो उसका मन रखने के लिए मैं फिर नीचे उतर आई। आप देख सकते हैं कहीं भी जाने से पहले मैं मंदिर, अपने महादेव जी के मंदिर अवश्य दर्शन करने को जाती हूँ, चाहे कोई भी मंदिर हो, लेकिन मैं कहीं भी जाने से पहले दर्शन अवश्य करती हूँ। क्योंकि देर हो चुकी थी, मंदिर बंद होने वाला था, इसलिए मैं जल्दी से गई और फिर वहाँ पर टहलते घूमते भी काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा था मेरी तबीयत खराब होने के कारण। आप देख सकते हैं कोई कहेगा नहीं कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, और उसके मेरी बेटी की जिद के कारण मैं तैयार होकर नीचे आई और मुझसे वो कहने लगी मम्मी घूमिए गरबा डांस हो रहा है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा गई क्योंकि लाउड स्पीकर इतना रहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन होने लगती, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर भीड़ में नहीं जा पाई। फिर सन्नाटा देख रही थी कि कहीं पे सन्नाटा मिले तो मैं जाऊं और वहां पे अपना वीडियो शूट करूं। पहली बार ये मेरा वीडियो है ऐसा आप देखेंगे, लेकिन एक बेटी के कारण मैं यहां तक पहुंच पाई। लेकिन अगर कभी भी जितना भी हम काम कर लेते हैं थकान आती है और उसके थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाता है तो उसकी थकान, काम की जो भी हमारी थकावट रहती है शरीर की, वो जो है दूर हो जाती है और एक हम फ्रेशनेस फील करते हैं। ये मुझे इस दिन जाके महसूस हुआ। आज मेरी बेटी के कारण मैं इतनी थकी हुई थी और बीमार भी थी, लेकिन उसकी जिद के कारण मैं जब गई तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। कभी कभी कहते हैं कि अपनी खुशी के लिए नहीं, कभी दूसरे का मन रखने के लिए भी खुश होना पड़ता है, लेकिन अपनी बेटी का मन रखने के लिए मैं वहाँ गई और उसके बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा। मुझे
मेरी बड़ी बेटी की याद आ रही थी, उसका बहुत मन था कि मम्मी जब नवरात्रि आएगी और गरबा होगा यहाँ पर तो हमारे डांस भी करेंगे, लेकिन वो किसी कारण ऑफिस के काम के कारण उसको छुट्टी नहीं। सबके साथ घूमते फिरते बच्चों भी काफी एंजॉय कर रहे थे, अंदर काफी पार्टिसिपेट हो रहा था, ज्यादातर कॉम्पिटिशन थे, बच्चे भी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे खेल में और कॉम्पिटिशन में थे और लोग आना शुरू ही किया था, लेकिन मैं जल्दी चली आई थी, काफ़ी देर हो चुकी थी, मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बेटी ने जिद करी तो मैं चली आई। तो इस तरह से हमारे अपार्टमेंट में जो है हर पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, काफ़ी फेस्टिवल के जो होते हैं हमारे यहाँ, जो हिंदू धर्म में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं तो वो यहाँ पर अपार्टमेंट में होते हैं और सब इतना एंजॉय करते हैं, सब एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे किसी बात का कोई घमंड नहीं करता है, कोई दिखावा नहीं करता है, और महादेव जी का मंदिर है। फिर एक बार चलते चलते मैंने महादेव जी के दर्शन करे, क्योंकि जब वापस जा रहे थे तो मुझे महादेव जी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस मंदिर ही घूमना होता है। मंदिर घूमने के मंदिर जब दर्शन करने को हम जाते हैं तो साथ में हमारा घूमना भी हो जाता है। बेटी कहने लगी मम्मी चलिए यहाँ पर चलते हैं, शूट करते हैं, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी फोटो तो शूट करी और बाबा जिद कर रही थी मम्मी यहाँ घूमिए, मम्मी वहाँ घूमिए, तो वो खुश थी तो मुझे बस यही खुशी हो रही थी। बेटियाँ जब खुश होती, बच्चे अपने खुश होते हैं तो माता पिता को उनकी खुशी का ख्याल रखना ही चाहिए, तो हमने भी वैसे ही किया अपनी बेटी की खुशी के लिए, और फिर उसको खुश करने के साथ साथ मुझे भी अच्छा लगने लगा। मेरा ये पहला व्लॉग है, जो आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।